दिया था, यू नो, लंच पे बुलाया था, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ हम दोनों का था। क्या मतलब आप मुझे मुझे लंच पर नहीं ले जा रहे हैं? मुझे गहरा गहरा मत समझ कि तुम अपनी मर्जी चलाओगी और मैं बर्दाश्त करता रहूंगा, समझ गई? अगर ज्यादा होशियारी की ना तो काट के गटर में डाल दूंगा मैं, मेरा भेजा मत फेराना तुम, याद रखना। तुम अचानक उन सबको छोड़कर यहाँ चले आओगे, वो लोग इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं है। That's okay. मुझे लगता है कि बबली को ढूंढने में हमें थोड़ा सीरियस एफर्ट और करना पड़ेगा, मुझे घबराहट होने लगी है। आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी। एक रात मैं बाहर गुजार कर आ जाऊं, उसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हा? कहीं और बिताई होती रात तो कोई बात नहीं थी, लेकिन शीला के साथ। Oh, stop it now. लगता है वो तुम्हें डरा डरा कर तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहती। अब बचा क्या रेनू, सब तो टूट गया। पुलिस थाने में मेरा आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन आपका यहाँ आना जाना कुछ ही दिन और रहेगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपकी भविष्यवाणी कर रहा हूं। वन टू थ्री फोर स्लो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। ओके, थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू, बाय बाय। हाय वॉल्टर। अब बाय कहने के वक्त दोबारा से आए क्यों? भाई देखो, अभी हम लोग डांस क्लास में साथ थे ना, राइट? तो अब जाते वक्त दोबारा से आए क्यों? ऐसे ही मुंह से निकल गया, इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? सुनने में अजीब लगता है ना। अब सपोज करो कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो अब तुम वहाँ पे जाने लगो और जाते वक्त मैं कहूँ हाय नीतू, अजीब लगेगा कि नहीं, बोलो? हाँ लगेगा। तो अगर तुम्हारा जाते वक्त मुझे हाय वॉल्टर कहना अजीब लगा, तो उसमें कौन सी अजीब बात है, बोलो? ऑलराइट, आई एम सॉरी। हे कम ऑन, अब नाराज हो कि तुम इसे बहुत बड़ा इशू बना रही हो? नहीं, तुम कहीं जा रहे थे ना, जाओ मैं भी चलती हूँ। वैसे भी डांस क्लास खत्म हो गई है, तो मैं क्या करूंगी। ओके बाय। ठीक, अब ये तो मैंने ठीक कहा ना। ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने दिल की बात भी नहीं बता सकता। कौन सी बात? यही, मेरे दिल को ना कुछ अजीब लग रहा है। बस तुम्हारे दिल को वही लगा? तुम्हारे दिल को और कुछ नहीं लगता? और कुछ जैसे? जैसे क्या, ये तो तुम जानो। कोई ऐसी बात जो तुमने कभी ना कही हो, लेकिन कहने का दिल करता हो। मेरे दिल में तो जो भी आता है ना, मैं झट से कह देता हूँ, और मैं अपने दिल की कोई भी फाइल कभी पेंडिंग रखता ही नहीं हूँ। वैसे भी मुझे तो याद नहीं कि मुझे किसी को कुछ कहना हो और मैंने ना कहा। हाँ, लेकिन सब तुम्हारे जैसे तो नहीं होते ना वॉल्टर, कई लोगों को वक्त लगता है कहने में, और तुम्हारे पास तो वक्त है ही नहीं। वक्त इसलिए नहीं है मैडम, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसा रईस बाप नहीं है। अपना तो जो कुछ है ना जिंदगी में, बस ये गिटार है। एनीवे, मुझे बैंड प्रैक्टिस के लिए जाना है। हाँ, तुम बैंड प्रैक्टिस पे जाने के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहते? हाँ, वहाँ के लोग जो मुझे बहुत पसंद है। सब लोग पसंद है या कोई खास? सब लोग कैसे हो सकते हैं यार, एक खास है, यू नो। हाय वॉल्टर। हाय। बैंड प्रैक्टिस के लिए चल रहे हो ना? ऑफ कोर्स। तो चलो ना, साथ ही चलते हैं। यहाँ खड़े होके अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, चलो। ओके, चलो भी अब। तुम आ रही हो ना वहाँ पे? देखूंगी। पता नहीं क्यों मैंने उस इंस्पेक्टर के साथ ऐसा बर्ताव किया। परेशानी में गुस्सा कहीं का कहीं निकलता है, आपके पास की बात नहीं है। अरे लेकिन मेधा, मेरा ऐसा कोई इरादा था ही नहीं भाई। मैं तो पुलिस स्टेशन इस वजह से गया था कि उस पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बात करके कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। और वो तो अब भी किया जा सकता है, उसके ऑफिस में दो फोन आ चुके हैं माफी मांगने के लिए। वैसे किसी के भी लिए सरेआम बेइज्जती सहना बहुत मुश्किल होता है। जो भी हो मेधा, वो इंस्पेक्टर है बड़ा लापरवाह। बात लापरवाही की नहीं है ऋषभ, हमारे जिंदगी में ऐसा हादसा एक आध बार ही होता है, लेकिन पुलिस वालों के रजिस्टर में ऐसे हादसे बार बार होते हैं। ऐसे हादसे हम पर जितना असर डालते हैं, उतना उन पर नहीं डाल सकते। वैसे मेधा, पब्लिक का अब तक घर न लौटना मुझ पर असर करने लगा है। देखो, बचपने में घर छोड़कर चले जाना एक बात होती है, लेकिन इतने ज्यादा दिनों तक घर न लौटना, ये बबली के बस की बात ही नहीं है। ऋषभ, हम लोगों के दो पहलू देखकर नतीजे पे पहुंचते हैं, लेकिन हर पर्सनालिटी में एक तीसरा पहलू होता है जिसका बहुत बड़ा हाथ होता है ऐसे फैसलों में। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो तीसरा पहलू बबली के जिद और जुनून को और गहरा कर दे, और
ऐसे में वो कुछ भी कर सकती है। बबली, बबली अगर कुछ कर बैठी या उसे कुछ हो गया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ऋषभ। अरे गलती है मेधा, इसे चाहे मेरी परेशानियां कह लो या फिर मेरे काम का बोझ। बबली को ढूंढने में जितनी कोशिशें मुझे करनी चाहिए थी वो मैंने की नहीं। और किया भी क्या जा सकता है, अब तो बस उसके लौटने का इंतजार ही कर सकते हैं। मानो अगर बबली घर लौटकर ही नहीं आई तो भाई उसके घर से चले जाने की वजह तो आखिर मैं ही हूं ना। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ओह कम ऑन मेधा, मेरे सोचने न सोचने से क्या फर्क पड़ता है। सच्चाई तो यही है कि वो मेरी वजह से घर छोड़कर गई है। और वैसे भी मेधा, जब से बबली घर छोड़ के गई है हमारी मुलाकातों पर एक अजीब सा तनाव बना रहता है। ये गलत है। गलत ही सही, लेकिन ये फीलिंग्स मेरे ऊपर हावी होती जा रही है। मान लो अगर अगर बबली के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, अरे तो इस दुख का साया जिंदगी भर हमारे पीछे लगा रहेगा। ऋषभ बबली लौटकर आएगी। तुम जब भी परेशान होते हो कुछ उल्टा सीधा सोचते हो जो कभी होता ही नहीं। याद है एजीएम के दिन तुम स्वेतलाना को लेकर कितना परेशान थे, लेकिन जो अंजाम हुआ उससे तुम कितने खुश थे। ओ, किन दो बातों की तुलना कर रही हो तुम मेधा। स्वेतलाना की समझदारी और बबली के बचपने में जमीन आसमान का फर्क है। स्वेतलाना जो भी करती है सोच समझ कर करती है, और एक बबली है जिसने जिंदगी में कोई कदम सोच समझ कर नहीं उठाया। नीतू। हाँ। हेलो मैडम, कहाँ खो गई हैं आप? नहीं, वो ऐसे ही म्यूजिक में। म्यूजिक में? वो तो कब से बंद हो चुका और आप अभी तक म्यूजिक सुन रही हैं? कमाल है, लगता है आपके ऊपर म्यूजिक का नशा ना धीरे धीरे चढ़ने लग गया है। वो नशा म्यूजिक का नहीं, किसी और चीज का था। भाई जिस भी चीज का नशा था अगर वो पूरा हो गया हो तो चले। कहाँ कहाँ, अपने अपने घर और कहाँ। वाल्टर, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट दूं। नहीं नहीं, तू मुझे ना ऑलरेडी इतना खराब लग रहा है कि मेरी वजह से तुम इतनी देर से यहाँ इंतजार कर रही हो। तुम बहुत लेट हो जाओगी, तुम बेकार में क्यों? बेकार में नहीं वाल्टर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझसे कोई काम है बोलो, रास्ते में बात करते हैं। नहीं पहले तुम मुझे बताओ कि काम क्या है, अगर मुझे जरूरी लगा ना तो फिर चलेंगे। ऐसा कोई काम नहीं वाल्टर, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। तो बाबा इतनी दूर जाके बोलने की क्या जरूरत है, यहीं पे बता दो ना। बात ही कुछ ऐसी है कि इसे कहने के लिए मैं कहीं तक भी जा सकती हूँ। हाँ लगता है कुछ जबरदस्त मामला है, जल्दी बताओ ना क्या बात है। वाल्टर प्लीज, मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगी। यार डराओ मत, बताओ ना क्या बात है। नहीं अगर उस बात को मैं यहाँ बैठे बैठे किसी आम बात की तरह करूंगी तो उस बात की बेइज्जती हो जाएगी। लगता है आज तुम कहे बिना नहीं मानोगी। ठीक है फिर ऐसा करते हैं कि हम लोग तुम्हारे घर की तरफ चलते हैं, और जब बात पूरी हो जाएगी तो मैं वहीं से अपने घर की ओर निकल जाऊंगा। ठीक है? परफेक्ट। लेकिन तुम्हें एक बात की गारंटी देनी होगी। क्या? कि बात सुनने के बाद मैं अपने घर सही सलामत पहुंच जाऊंगा। देखो मुझे तो ये भी नहीं पता वो बात तुम पर असर करती भी है या नहीं, और अगर करती है तो कितना असर। ठीक है तो आज ये खतरा भी मोल ले लेते। हाँ वाल्टर, अच्छा वाल्टर मुझे मिल गए, मुझे घर तक छोड़ाओ ना, इतनी रात को मैं अकेले कैसे जाऊंगी। चलो ना वाल्टर प्लीज, बाय, गुड नाइट नीतू, बाय बाय। अब इसका क्या मतलब है?
चाचा जी, मैंने तय किया है कि आप इस कंपनी के वाइस चेयरमैन बनेंगे। अरे वाह, बड़ा आगे तय करने वाला। देखो ऋषभ, किसी को मेरे लिए कुछ तय करने की जरूरत नहीं है। मैं इस कंपनी में पगार लेता हुआ नौकर नहीं हूं। जो प्रमोशन दिया और एहसान जताया, मैं इस कंपनी में शुरू से जो हूं सो हूं। अरे चाचा जी, इसमें आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मुझे तो लगा था आप खुश होंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और आप हैं कि तारीफ करने लायक तुम में और बहुत खूबियां मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, और तुम्हारी ये खूबियां मैं इलेक्शन के दौरान एजीएम में देख चुका हूं। देखिए चाचा जी, एजीएम के दौरान ऐसी बहुत सी बातें हुई जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं भी याद रख सकता हूं, लेकिन मैं भूल चुका हूं, आप भी भूल जाइए। तुम भूल सकते हो क्योंकि तुम अब चेयरमैन हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो चाहे याद कर सकते हो और जो चाहे भूल सकते हो, लेकिन मैंने इस कंपनी में 20 साल दिए, 20 साल इस कंपनी की उतार चढ़ाव को देखा है मैंने, मैं ये बातें नहीं भूल सकता। देखिए चाचा जी, मैं मानता हूं कि हमारे बीच में बहुत सी पर्सनल डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमारे बीच में कॉमन इंटरेस्ट भी तो है, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कामयाबी। और चाचा जी, हमारी कंपनी को आपकी जरूरत कल भी थी और आज भी है, और इसीलिए तो हमने ये तय किया है कि आप यहाँ के वाइस चेयरमैन बनेंगे। किसने तय किया है? किसने? ताऊ जी ने या फिर तुम्हारी माँ रंजना देवी ने? किसने तय किया मुझे इतना नीचा दिखाने का? अरे चाचा जी, इसमें नीचा दिखाने वाली कौन सी बात है? तुम्हें ऊंचा दिखाने वाली बात है। तुम्हारे ऑफिस के बाहर चेयरमैन का बोर्ड लगेगा ताकि मुझे याद रहे कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, और मेरे कमरे के बाहर वाइस चेयरमैन का बोर्ड रहेगा ताकि मुझे मेरी हैसियत याद रहे। चाचा जी, अगर मेरा चेयरमैन बनना आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप आकर बैठ जाइए प्लीज। जस्ट स्टॉप दिस नाउ, ये नाटक बंद करो। इतना हाथ जोड़कर खैरात बांटने की अदा तुम्हारे बाप में थी? अरे जब मैंने उनसे खैरात में कुछ नहीं लिया तो तुम क्या चीज हो? इस कंपनी में मेरी मेहनत भी है, मेरी। ठीक है चाचा जी, अगर आपको इस ऑफर में आपकी बेइज्जती नजर आती है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन चाचा, जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, क्या हमारे रिश्ते इतने पेचीदा है जितना हम समझते? देखो ऋषभ, मुझे अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सब अच्छी तरह से समझ चुका हूं, जान चुका हूं। गुड बाय। यार कसम से मेरी समझ में नहीं आता है कि तू है किस मिट्टी की बनी हुई। क्या हुआ? अरे यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे हो क्या जाता है। तू उस रात आने वाली थी ना, मैं पूरी रात बैठ के तेरा इंतजार करता रहा। अच्छा तू बता, तू चाहती क्या है? एक बात तू साफ साफ समझ ले, मैं किसी भी हालत में ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहती। नौकरी छोड़ने के लिए तेरे को कौन बोल रहा है? अलबत्ता तू मेरे को छोड़ दे, उल्लू की तरह बैठ के पूरी रात तेरा इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा ना मुझे। अरे अपनी ही कहे जाएगा, किसी और की भी सुनेगा? तेरी तो आदत ही ऐसी है। उस दिन खाना लेकर मैं तेरे पास आ रही थी। हाँ तो पहुंची क्यों नहीं फिर? सैला पहुंची थी ना, उस दिन रात को न जाने मैंने क्या क्या बहाने बनाए बाहर जाने के लिए, लेकिन उसे तो शक हो ही गया था। वो आई थी मेरे पास और बहुत अनाप शनाप बक रही थी आकर। उसे तो यकीन हो गया है कि हमारे बीच कुछ ना कुछ है, मेरी तो वो दिन भर चौकीदारी करती रहती है। अरे हमारे बीच कुछ भी चले, हमारी मर्जी, उसे क्यों तकलीफ होती है? तकलीफ उसे नहीं, हम दोनों को होगी। अगर एक दिन उसने रंगे हाथ पकड़कर मेम साहब के सामने खड़ा कर दिया तो इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना मैं तो तेरे इंतजार में तड़प तड़प के यूं ही मर जाऊंगा। आखिर मरद जात कब तक अपने आप को रोक सकेगा बोल तू? मेरी भी हालत ऐसी ही है, मगर क्या करे, मजबूरी है। स्टेला से बचकर मिलना मुश्किल है। तू देखना अब मैं उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता हूँ। देखती हूँ। स्टेला आजा। ऋषभ तुम यहाँ? बैठो। सतलाना, बहुत दिनों से मेरे दिल पर एक बोझ सा इसलिए चला है। अच्छा
कितने दिनों पुराना बोझ है ये? कुछ एजीएम के दिन से। वैसे तो मुझे तुम्हारे पास बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन ऋषभ, तुम्हारे और मेरे घर के रास्ते अभी बने नहीं हैं। किसी जमाने में रास्ते थे और बहुत सीधे भी थे। मेरी कुछ पुरानी यादें उन दिनों की साक्षी है। स्वेतलाना, रास्ते पेड़ की टहनियों की तरह होते हैं, कभी कभी आपस में ही उलझ जाते हैं, लेकिन कहलाते तो एक ही पेड़ के हैं, और उस दरख्त का नाम है केशव मल्होत्रा। जब डैडी जिंदा थे तो उनसे बहुत गिले शिकवे, बहुत शिकायतें थी मुझे, लेकिन अब उनकी मौत के बाद मैं उन शिकायतों को जिंदा नहीं रखना चाहता। ऋषभ, ये समझ तुम्हारे अंदर अगर एजीएम के बाद आई तो वजह गलत है। एजीएम वजह नहीं है, लेकिन हाँ, ये तब्दीलियां एजीएम के दौरान जरूर शुरू हुई थी। मेरा तुम्हें वोट देने का मकसद तुम्हारे रवैये में तब्दीली लाना नहीं था। मैं तुम्हें चेयरमैन के काबिल समझती थी, इसलिए तुम्हें वोट दिया। यानी मैं तुम्हारी समझ को एजीएम तक गलत समझता रहा। तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की है मैंने। स्वेताना, मैं तुम्हें ये देकर अपने दिल का बोझ कुछ हल्का करना चाहता हूं, शायद तुम मुझे माफ कर पाओ। मैं तो तुम्हें काफी पहले माफ कर चुकी हूं ऋषभ। हाँ, तुम्हारी इस हरकत को भूली नहीं। तो कोशिश करो स्वेताना कि भूल पाओ। मैं तो यही कोशिश में लगा हूं कि मल्होत्रा खानदान अपना पिछला दफनाकर एक नए सिरे से शुरुआत करे। मैं कोशिश करूंगी। गुड नाइट स्वेताना। ऋषभ, सोचा था तुम्हारे ऑफिस आकर बताऊंगी, लेकिन तुम आ ही गए हो तो अभी बता देती हूँ। बोलो क्या बात। सुधाकर राव के शेयर्स मिलने के बाद मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ग्रुप के एक मेजर शेयर होल्डर बन गई। तो अब मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ग्रुप के हर फैसले, हर पॉलिसी डिसीशन में शामिल होना चाहूंगी। इतनी मेजर शेयर होल्डर बनने के नाते मेरा हक बनता है कि जो भी ऑफिस में हो रहा है और आगे के जो नए प्लान्स बनाए जा रहे हैं, उन सब रिपोर्ट्स को मैं एनालाइज करके अपने रिएक्शंस बताऊं। ठीक है, मैं ऑफिस को इंस्ट्रक्ट कर दूंगा, वो तुम्हें डिटेल रिपोर्ट भेज दिया करेंगे। ओके? उसकी जरूरत नहीं। मैंने तय किया है कि अब से मैं ऑफिस आकर बैठा करूंगा, अगर तुम्हें एतराज हो तो। नहीं, इसमें एतराज होने वाली कौन सी बात है, लेकिन इस झमेले में तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है? जरूरत है, अब हमारी मुलाकात ऑफिस में होगी। गुड नाइट।